गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या विषय से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। उसमें आप किसी भी प्रकार की झिझक या कोई भी शर्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 12 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कंचा और जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन ने जो ये चैप्टर कंचा लिखा है उसमें अप्पू का किस तरीके से कंचे से लगाव रहता है और वह क्लास में बैठे बैठे भी कंचे के बारे में सोचता है, इसको हमने अभी तक पढ़ लिया था। और अब हम आगे का पढ़ते हैं कि अप्पू के जो फादर हैं, जो पिताजी है, उसको फीस के लिए पैसे देते हैं, वह फीस जमा नहीं कराता है। वह सोचता है मैं इनके कंचे खरीद लूँगा। फिर वह दुकान पर जाता है और वहाँ कंचों को देखने लगता है। तब दुकानदार है वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें कंचे चाहिए क्या, ये हमने अभी तक पढ़ा था। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे कंचे चाहिए। तो वो कहते हैं कितने रुपए का, तो वो कहते हैं कि 1.5 रुपए का। तो इतनी बड़ी रकम में आज तक किसी बच्चे ने कंचे नहीं खरीदे थे, तो वह आश्चर्यचकित होता है। लेकिन बाद में वह यह सोच जाता है कि जब मैं भी इसके उम्र का था तब मैं भी ऐसे ही सब जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके सबके मैं वो कंचे ले लेता था और उन सबके से पैसे ले लेता था और कंचे खरीदता था। वैसे ही इसने भी अपने दोस्तों से पैसे ले रखे हैं और उनको वह देगा। आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है, तो वह कहता कि मैं जानता ही नहीं है। तो फिर वो कहता है, तो फिर तुम कंचे क्यों खरीद रहे हो? तो वह मन ही मन में प्रश्न करता सोचता है कि ये मेरे से कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, और इसके मन में जो उसका जो धीरज है वह जवाब दे जाता है। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाई वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी। फिर दुकानदार ने बोला कि तुम्हें कंचे चाहिए क्या, तो कहता है कि चाहिए ही मुझे, तो उसका धीरज है वो जवाब दे जाता है। फिर उसने कंचे के लिए जब वह हाथ फैलाता है तो कि कंचे मुझे दे दो, तो दुकानदार है वो हंस पड़ता है और अप्पू भी हंस पड़ता है। फिर वह जो कागज़ की जो पोटली होती है जिसमें दुकानदार उसे कंचे देता है, वह उसको छाते से चिपटाए नीम के पेड़ की छांव में चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? क्योंकि उसे कंचों से बहुत लगाव है और कंचे उसने अब खरीद लिए हैं, कंचे उसके पास है, तो वह नीम के पेड़ों की छांव में उसको छाते से लगाए कंचों को और चलने लगता है, कंचों के बारे में सोचने लगता है। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। उसका ऐसे जी चाह रहा था, उसने कंचे खरीद लिए थे, फिर भी उसका मन ऐसे हो रहा था कि काश मुझे पूरा जार ही मिल जाता, वो कंचों का जो जार भरा हुआ था कंचों से वो पूरा ही मुझे मिल जाता। तो जार मिलते तो उसके छूने से ही कंचे को छूना का एहसास होता, तो जार यदि उसे मिलता तो उसे कंचे छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया।
बस्ता नीचे रखकर वह भी धीरे से पोटली खोलने लगा। एकाएक उसे शंका हुई, उसे संदेह हुआ कि क्या सब कंचों में लकीर है क्या? जो उसने कंचे खरीदे हैं उन सब में लकीर है क्या? तब वह जो उसकी पोटली थी कंचों से भरी हुई, उस पोटली को खोलकर देखने का वह निश्चय करता है और अपना जो बस्ता है वह नीचे रख देता है और वह धीरे से पोटली खोलने लगता है। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। जब पोटली उसकी खुलती है तो उसके जो सारे कंचे हैं वो बिखर जाते हैं। वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे हैं और वह सारे जो कंचे थे वो सड़क के बीचों बीच पहुँच गए। यानी जब उसने देखा कि कंचों में लकीर है या नहीं, तो क्या हुआ, कंचे थे वो सारे बिखर गए और सड़क के बीचों बीच पहुँच गए। क्षण भर सब पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। क्षण भर सक पकाने के बाद वह चुनने लगा। क्षण भर के लिए वह थोड़ा सा सक पका गया कि अब मैं क्या करूं। फिर वह एक एक कंचों को चुगने लग गया। उसकी हथेली थी वो भर गई और वह चुने हुए कंचे कि उसकी हथेली भर गई कि उसने जो कंचे हैं जो चुने हैं वह कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। स्लेट और किताब है उसने बस्ते से बाहर रखी और बस्ते के बाहर रखने के बाद कंचे है वह उसमें भरने लग गया, बस्ते में डालने लग गया, ताकि उसके जो कंचे हैं वो एक जगह ही रहे, इधर उधर नहीं हो। इसके लिए वह जो कंचे है वह अपने बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह ऐसे गिन रहा था 1 2 3 4, यानी कंचे जब सड़क पर बिखर गए और वह उनको चुन रहा था, तब क्या हुआ, वह उनको काउंटिंग भी करने लगा, उनकी गिनती भी करने लग गया और ऐसे 1 है 2 3 ऐसे करके अपने एक एक काउंटिंग करके गिनती करके अपने बस्ते में डालने लगा। तभी एक कार है वह वहाँ आकर रुकती है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को गच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। ड्राइवर ने जब देखा कि गाड़ी चल रही थी इतनी और मैं समय से जहाँ उसे उसको अपने जहाँ गंतव्य स्थान पर जाना था वह पहुँच जाता, लेकिन ये क्या बीचों बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं इसको कच्चा खा जाने की इच्छा हुई, यानी इसको मैं अभी है वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा दूँ। लेकिन उसने बाहर अपनी गाड़ी से बाहर झाँक कर देखता है कि वह लड़का आखिर कर क्या रहा है, सड़क के बीच में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। जब कार ड्राइवर था वह उसने उस बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस अप्पू का ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न दिया, ताकि वह हॉर्न की आवाज़ सुन करके सड़क के बीचों बीच से उड़ जाए ताकि वह अपने स्थान पर जा सके। तो हॉर्न की जब उसको आवाज़ सुनती है तो वह कंचे चुनते हुए अप्पू बीच में ही सिर उठाकर देखता है तो सामने एक मोटर है और उसका जो ड्राइवर है वो बाहर भीतर है। उसने सोचा और वह देख रहा है तो वो सोचता है इसको भी कंचे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, इसीलिए ये बाहर झाँक के देख रहा है और शायद इसका मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। तो फिर वह सोचता है कि इसको कंचे अच्छे लग रहे हैं इसलिए ये झाँक कर देख रहा है। तो वह कंचा है अपने हाथ में उठाता है एक कंचे को और उसे कहता है कि कंचा बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाते से चिपकाए वह घर आया। ड्राइवर का जो गुस्सा था वो हवा हो गया, यानी उसे जो गुस्सा आ रहा था उस बच्चे पर, जब उसने पूछा कि यह अच्छा है ना, तो उसे ऐसे लगा कि ये बच्चा कितना मासूम है, कितना भोला है, मेरे से भी पूछ रहा है कि ये कंचा आपको अच्छा लग रहा है ना। तब वह उसका जो गुस्सा है वो हवा हो जाता है, गुस्सा हवा हो जाना यानी गायब हो जाना, उसका गुस्सा है वो एकदम से गायब हो गया।
और पस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाते से चिपकाए वह घर आया। फिर वह अपना बस्ता है वो अपने कंधे पर लटकाए हुए, अपनी जो किताब थी, अपनी जो शीशी थी, अपनी जो पेंसिल थी, सब वो वह साथ में लेता है और अपनी छाती से चिपका कर वह घर चला आता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। उसकी माँ थी वो शाम की चाय बनाकर उसकी राह देख रही थी। राह देखना यानी उसको उसका देख रही थी, उसका रास्ता देख रही थी कि मेरा बच्चा है वह अभी आएगा। राह यानी रास्ता, पथ, मार्ग। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझे मुझसे नहीं कहेगा, कहूँगा शायद, कहूँगा माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, खरीदे हैं पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने कहा दोपहर को दिए थे ना माँ। तो वह जब घर आता है तो उसकी माँ है उसका रास्ता देख रही होती है और शाम की चाय तैयार कर रखी होती है। तो वह बरामदे से ही, बरामदे की जो बेंच होती है उस पर स्लेट और किताब को फेंक कर अपने दौड़कर वह अपने माँ के गले लग जाता है। उसके जब माँ ये देखती है कि उसको लौटने में देर हो गई है तो वो थोड़ी घबराई हुई सी रहती है। वह तो क्या करता है, वह बस्ता जोर से हिलाता है। तो उसकी माँ कहती है, अरे इसमें क्या है? तो वो कहती है, वो कहता है कि आप पहले है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर लो। वो आंखें बंद करने के लिए क्यों कह रहा था अपनी माँ से, क्योंकि वह अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था कि वो क्या लेकर आया है। तो उसकी माँ ने आँख है वो बंद कर लेती है। तो वो गिनता है, काउंटिंग 1 2 3, 1 2 3। तब माँ ने आंखें खोलकर देखती है तो उसके बस्ते में कंचे ही कंचे रहते हैं। तो वो माँ है उस अपने बच्चे अप्पू से पूछते कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। तब वो कहता है कि मैंने खरीदे हैं। तो फिर वो पूछती है, तो खरीदे हैं तो तू हमारे पास पैसे कहाँ से आए? तो उसके पिताजी की एक फ़ोटो लगी हुई, तस्वीर लगी हुई थी, उसकी ओर इशारा करके कहता है कि आज मेरे को पिताजी ने दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे के लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर जब माँ उसकी देखती है कि इतने सारे कंचे लाया है और वह उसे पूछती है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो वो कहता है कि दोपहर को पिताजी ने दिए थे। तो वह दांतों तले उंगली दबा लेती है कि अरे तूने उन पैसों से वो कंचे खरीद लिए जो उसके लिए, आपको तो वह पैसे फीस के लिए दिए थे। तो वह सोचती है कि तू इतने सारे, उसको अप्पू से कहती है कि तू इतने सारे कंचे काहे के लिए ले लेके आया, किसके साथ खेलेगा? तो वो क्योंकि आप तो घर में अकेले ही हो, आपकी एक छोटी बहन थी, मगर वह तो यानी उसकी बहन जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो गई थी। इतना कहते ही उसकी माँ की है वो आंखें भीग जाती है। आंखें भीगने से मतलब क्या है, वो रोने लग जाती है अपनी बच्ची को याद करके। अप्पू छोटा था, वह इस बात को समझ नहीं पाता है कि माँ क्यों रो रही है। तो वो ऐसे सोचता है कि शायद मैंने कंचे खरीद लिए इसलिए माँ रो रही होगी, जबकि वह ये नहीं जानता कि एक माँ की ममता है वह क्या होती है। वह इस बात को क्यों नहीं जान रहा, क्योंकि वह भी आपकी तरह एक छोटा बच्चा था। एक छोटा बच्चा होता है वो, उसका इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता, वो इतना परिपक्व नहीं हो पाता कि वह किसी भी स्थिति को भांप ले। इसीलिए अप्पू था अपनी माँ की आंखों से आंसू देखते हुए उसको समझ नहीं पाता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है। और वह यह अनुमान लगाता है कि हो सकता है मैंने कंचे खरीद लिए इसलिए माँ रो रही होगी। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए?
शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकलते, उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना, नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गिले माँ की गाल पर अपना गाल सटा दिया। तब उसकी दिल से खुशी छलक रही थी। वह जब कंचे खरीद लेता है तब उसकी आंखों के सामने वह बूढ़ा दुकानदार और कार का जो ड्राइवर था वह भी साथ खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद कर रहे थे कि सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए, कि वो जो बूढ़ा ड्राइवर था, उसको भी कंचे पसंद आए थे और जो दुकानदार था उसको भी पसंद आए थे, माँ को कंचे है वो क्यों पसंद नहीं आए। वो ऐसे सोचा कि शायद माँ को कंचे है वो अच्छे नहीं निकलते हैं। फिर बस्ते से वह आंवले जैसे कंचे को निकालते हुए कहता है कि बुरे कंचे हैं ना, तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है, नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो वो कहती है, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ता है और उसकी माँ है वह भी हंस पड़ती है। वह आंसू से गीले माँ के गाल से अपना गाल सटा लेता है और अब उसके दिल में खुशी छलक रही है। फिर वह देखता है कि माँ है उसके कंचे लेने से खुश है, नाराज़ नहीं है। तब वह क्या करता है, वह भी खुश हो जाता है और अपनी माँ की जो आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके आंखों को गीले आंसू जब उसके गाल से बह रहे थे वहाँ अपने को वह सटा लेता है अपने मुंह को भी और दोनों हंस पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है पी पद्मनाभन द्वारा लिखा हुआ कंचा यह यहाँ पर समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से वो पूछ सकते हैं और अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वह देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन में समा जाते हैं तो अप्पू को लगा कि जो कांच है उसके देखते, जो कांच का जो जार है उसके देखते देखते बड़ा होने लग गया और वह कितना बड़ा हो गया, आसमान जितना बड़ा हो गया और वह भी उसके भीतर आ गया है। यह हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि वह जब कंचे की दुकान पर जाता है तो कंचे को जब जार में देखता है तो उसके क्या लगता है कि अप्पू की देखते देखते जार है वो बड़ा हो जाता है और कितना बड़ा हो जाता है, जितना आसमान बड़ा है उतना बड़ा हो जाता है और जो अप्पू है वह उसके भीतर समा जाता है। दूसरा, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की जो स्थिति है वह अजीब है। अप्पू जब दुकानदार जब अप्पू को कंचे के लिए परेशान देखता है, दुकानदार जब देखता है कि अप्पू है वह कंचे के लिए परेशान हो रहा है क्योंकि वह कंचे है देखता ही है खरीदता नहीं है, फिर वह इतने सारे कंचे एक साथ खरीदता है जितने किसी भी बच्चे ने आज तक नहीं खरीदे थे, यह देखकर वह हंस देता है। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे हैं जब सड़क पर बिखर जाते हैं तो जो तेज़ रफ्तार से आती हुई जो कार है कार का ड्राइवर ये देखकर परेशान होता है कि देखकर परेशान हो जाता होगा कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना अब कंचे एकत्र कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसकी ओर इशारा करता है और कंचे दिखाता है तो वह भी हंसने लगता है और वे दोनों सोचने लगते हैं कि बच्चों का कंचे के प्रति सहज समर्पण है, कि कंचे से बच्चे हैं वो कितना लगाव रखते हैं और उसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तब बस कंचे के लिए अप्पू के जो ड्राइवर है और दुकानदार के सामने उनकी यह स्थिति है। आगे है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी? देखिए, मास्टर जी है जब कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तब उनकी आवाज़ थी वो ऊंची थी।
क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे और पाठ को उन बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहते थे, जिससे क्या था, एक तो कक्षा में शोर नहीं होगा और बच्चे दूसरे पाठ को बड़े ध्यान से समझेंगे और सभी का जो ध्यान है वो एकाग्रचित रहेगा, सभी एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे। जब बच्चों का जो ध्यान है वो पाठ की ओर लग जाता है तब उनकी आवाज़ है वो स्वतः ही धीमी हो जाती है, क्योंकि पहले वो जोर से बोलते हैं, सबसे सारी क्लास है वो उनका ध्यान है वो किसकी ओर हो जाता है, कोई भी जो टीचर पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। और टीचर क्या चाहते हैं कि बच्चों को मैं जो भी समझा रहा हूँ, जो पाठ, कविता, निबंध, कुछ भी, वो वह समझ में आए, टीचर का ये उद्देश्य रहता है। और विद्यार्थी का वो ध्यान आकर्षित करके, एकाग्रचित करके उन्हें अच्छी तरह से पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मास्टर जी जब कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, जिससे कक्षा में शोर ना हो और सभी एकाग्रचित्त होकर पढ़े। और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि सभी बच्चों का ध्यान है वो पाठ की ओर लग गया है, तब उनकी आवाज़ है वो स्वतः ही धीमी हो गई थी। फिर है अपना कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा और बिट्टू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में से कौन कौन से खेल हैं वो खेले जाते हैं? तो हमारे इलाके में, यानी आपके इलाके में जो भी खेल खेले जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि हमारे इलाके में बहुत से खेल खेले जाते हैं, जैसे बर्फ पानी है, लंगड़ी दौड़ है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और सांप सीढ़ी है, कैरम बोर्ड है, जितने भी आप खेल खेलते हो उनके बारे में सबके हम लिख देंगे। क्या बोल रहे थे बेटा, कौन बोल रहा था अभी? प्राची, मैम मैं बोल रही थी कि मैम इसका फर्स्ट वाले का आंसर मैं बताती, फिर तो मैम आपने इसका वापस इसमें बताऊं कहानी से क्या? आगे फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट वाला आंसर वापस बताऊं? नो मैम, आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही है। आप देखिए भाषा की बात, कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, हमने अभी पढ़ा था ना कि माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम कोई भी कर सकते हैं कि जो अपना ताजमहल है उसको देखकर जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो देखकर दंग रह जाते हैं, या अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, नहीं दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं उसकी सुंदरता को देखकर। फिर दूसरा है कि सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं कि चोर को देखते ही मेरे प्राण सूख गए, या मेरी सांस है वो रुक गई, क्योंकि चोर को देखते हुए सबको डर लगता है और शिकारी को अपनी ओर आते देखकर शिकारी एकदम सीधा बैठ गया। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, इसको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, और इसलिए भी विशेषण है। पहले कभी किसी इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठंडी अंधेरी रात, पहला है ठंडी अंधेरी रात, तो हम इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि इतनी ठंडी अंधेरी रात में बच्चे को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, या बाहर जाना ठीक नहीं है। और दूसरा है खट्टी मीठी गोलियां, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां हैं वो बहुत पसंद होती है, उन्हें खाने में बहुत अच्छी लगती है। तीसरा है ताजमहल,
ताजा स्वादिष्ट भोजन, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि ताजा स्वादिष्ट भोजन है वो सभी को बहुत अच्छा लगता है। फिर है स्वच्छ रंगीन कपड़े, तो हमें स्वच्छ रंगीन कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए। स्वस्थ रंगीन कपड़े हैं वो हमें सर्दियों में पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि रंगीन कपड़े हैं उनसे सर्दियों में हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। गर्मियों में अगर हम रंगीन कपड़े डार्क कलर के या ज़्यादा जो ब्लैक है ब्लू है इनको पहनते हैं, रेड है, तो इनसे हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और हल्के जो रंग के हैं सूती कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती। तो हमें सर्दियों में स्वच्छ व रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा लेसन है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है क्या किसी को? और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा? सभी बच्चे दिव्य, खुशी, लीजा, यस मैम। बेटा एकदम अच्छे से चैप्टर को अच्छे से रीड करना। उसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं वो तभी कर पाओगे आप जब आप चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना बेटा? और प्रार्थना पढ़ोगे? मैम हाँ जी बेटा। यस मैम, आप चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर दोगे क्या? हाँ चैप्टर मैसेज बेटा वो जो आएंगे ना अपने जो गूगल फॉर्म ऐप पे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे एबेस एदे वाले उसमें चैप्टर के बीच में से ही आते हैं, इसलिए आप मैम आप चैप्टर। टिक द करेक्ट दोगे ना? यस बेटा टिक द करेक्ट दूंगी। मैम 10 दोगे? हाँ 10 10 देंगी बेटा। 10 10 तो ओके टिक द मैम। करेक्ट ऑप्शन वाले, और 10 है वो लॉन्ग टाइप वाले जिसमें प्रार्थना पत्र भी होंगे और प्रश्न उत्तर भी होंगे, ठीक है? मैम ये कितने मार्क्स के होंगे पर? 20 20 मार्क्स के होंगे बेटा, ट्वेंटी ओके मैम, मार्क्स के। ओके बेटा। ओके मैम, हैव और अ नाइस डे मैम। हाँ थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।